आज हम बना रहे हैं एक फेस पैक स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए। तो यहाँ मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है, ये मैंने लिया है शहद जो कि घर का शहद है। ये थोड़ा सा जम गया है, थिक हो गया है। और यहाँ मैंने लिया है कॉफी पाउडर, नेस्ले का कॉफी पाउडर है ये, और ये एलोवेरा जेल है। तो इसमें शहद में मैं ये दोनों चीजें मिलाऊंगी और पैक बनाते बच्चा हैं। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है इन तीनों चीजों को। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ इन्हें अप्लाई करूंगी। शहद स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है, शहद से स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट। चलो तो अब हम देखते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है हमें। हमें ये पेस्ट ज्यादा नहीं बनाना है, बट अगर ज्यादा बन भी जाता है तो कोई नहीं, मेरे पास इसे आप फ्रिज में रख सकते। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट तक पूरे फेस पे मसाज करनी है आपको। सारा फेस कवर करना है आपको एंड पांच मिनट मसाज करके, मसाज बहुत ही लाइट हाथों से करनी है। ये यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 5 मिनट मसाज करके फेस पे आप छोड़ दो। फिर इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक फेस पे रखना है, देन उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो, मतलब पानी के साथ। और आप ये रेमेडी खुद भी यूज करके देखो। काफी अच्छी हम रेमेडी है, कम बजट कम पैसे में। तो अब ये मैंने छोड़ दिया है यहाँ 10 से 15 मिनट तक, हम ये रखना है। गाइस आप देख सकते हैं जो मैंने रेमेडी बनाई थी वो इस साथ पे बनाई लगाई थी। देखिए कितना सॉफ्ट स्मूथ एंड क्लीन दिख रहा है इस वाले हाथ के अकॉर्डिंग। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड आप भी बनाइए। और काफी कम बजट में ये होम रेमेडी बन जाएगी, कम से कम 10 रुपए का खर्चा है। सो आप भी बना सकते हैं, सर्दियों के लिए ये काफी बेस्ट ऑप्शन है गाइस आपके लिए। तो आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि होम रेमेडी आपको किस कैसी लगी और आपको कुछ रिजल्ट दिखा या नहीं। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, और आप मुझे बताइए जरूर गाइस। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।